नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्ट्रीट 12 में। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए तो फ्रेंड आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम नंबर है, ठीक है फ्रेंड, जिसमें आप 5 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक का डोनेट कर सकते हैं। इसलिए आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई जाए जिससे आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड। सो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं RRB NTPC एग्ज़ाम 2019 फ्रेंड, जिसका मॉडल पेपर है 5080 का। इससे पहले 57 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में ऐड है, आप जाकर वहां से स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है फ्रेंड, ये बताना है वो कौन सा स्टेट है जिसे बफर स्टेट के रूप में जानते हैं। सो फ्रेंड, चार ऑप्शन है फ्रेंड। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बेल्जियम को बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्र दामन की उपलब्धियां है, ठीक है, आपको बताना है कि अभिलेख कौन सा है जिसमें रुद्र दामन की उपलब्धियां है। सो फ्रेंड, ये चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख जो है उसमें रुद्र दामन की उपलब्धियां वर्णित है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है फ्रेंड, ये बताना है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला स्थित है, ठीक है, तो ये दो नदी इसके बीच में तक्षशिला स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था फ्रेंड, ये बताना है मौर्य काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का कौन सा था। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला मौर्य काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी इज ए राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था फ्रेंड, ये बताना है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी विशाखा दत्त, ठीक है, ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, तो विशाखा दत्त क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। दोस्तों फ्रेंड, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके फौरन दीजिए, जल्दी से जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था फ्रेंड, ये बताना है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था फ्रेंड, ये बताना है इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी नूरजहां ने बनवाया था मकबरा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था फ्रेंड, ये बताना है महमूद गजनबी के साथ वो कौन सा इतिहासकार प्रसिद्ध है जो भारत आया। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अल बरूनी इज ए राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध में कौन पराजित हुआ था फ्रेंड, ये बताना है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी राणा सांगा, उस युद्ध में राणा सांगा क्या हुए थे, पराजित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी जहांगीर के समकालीन थे, तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था फ्रेंड, ये बताना हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 1576। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण था फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 1926, ठीक है, ये क्रांतिकारी आंदोलन का चरण था, ट्रेड यूनियन आंदोलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। सो फ्रेंड, ये बताना है कि कांग्रेस से पूर्व
कौन सी संस्था थी? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड ये बताना फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस इज ए राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड ये बताना है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने लखनऊ से नेतृत्व किया था? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बेगम हजरत महल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 1919 ईस्वी में, ठीक है रोलेट एक्ट पास हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं आंदोलन की पद्धति थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी फ्रेंड यह बताना आपको। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राज वाम वध। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया? फ्रेंड यह बताना है सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड ये बताना राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ बताना है कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी चेन्नई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी चिनाब नदी पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रादेशिक जल फैला है? फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 12 समुद्री मीलों के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रिप्त घाटी में स्थित है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड ये बताना है कि खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बाढ़ के मैदान में। तो ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन, बाढ़ के मैदान में खादर मिट्टी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी जोग जलप्रपात किस नदी पर है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शरावती नदी पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सबसे अधिक है यानी अभ्रक सबसे अधिक पाया जाता है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में PIL लाया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सो फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उस समय PN भगवती थे जिस समय लोक हित मुकदमा यानी PIL लाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरूखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी हाथ की छपाई के लिए, ठीक है फरूखाबाद प्रसिद्ध है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटने एवं जलाने वाली कृषि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी वनों की कटाई भूमि कटाव एवं पोषक तत्वों की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलाधिक वाले देशों में शामिल नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इंद्रावती अभ्यारण्य। ठीक है, ये बस्तर क्षेत्र में स्थित है, नोट करते चलिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी फ्रेंच शब्द से हुई थे। ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एवं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।